क्या हो अगर मैं तुमसे पूछूं पोकेमोन एनीमे में अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्मल वाटर टाइप पोकेमोन कौन है? तो मुझे 101% पता है आप सबका आंसर होगा भाई ऑफ कोर्स एस का ग्रीन निंजा, क्योंकि एस का ग्रीन निंजा बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है जो कि पूरे एनीमे सीरीज में इकलौता ऐसा पोकेमोन है और वो बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन जाता है, इसलिए पोकेमोन एनीमे का स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप पोकेमोन है ग्रीन निंजा। लेकिन देखो अगर तुम्हारा भी आंसर ऐसा ही है तो आप लोग बिल्कुल गलत हो, और अगर तुम सोच रहे हो अगर एस का ग्रीन निंजा नहीं है तो साइबर का ब्लास्टोस हो सकता है जिसने की एलान के मेगा चार्ड एक्स को अकेले हरा दिया था, लेकिन अफसोस ये पोकेमोन ब्लास्टोस भी नहीं होने वाला। देखो मैं बताता हूँ, ज़्यादा तड़पो मत, उससे पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो अगर तुम एस ग्रेंजा के फैन हो तो। और ये पोकेमोन है लाइसेंट्रे का मेगा गैराडोस, जिसने की पूरी एस की कालोस टीम को, जिसमें एस का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन पिकाचू था, जिसमें एस का बॉन्ड पोकेमोन ग्रेंजा था, और सिर्फ इतना ही नहीं अलान का मेगा चार्ड एक्स यानी कालोस लीग का विनर, इन सभी को लाइसेंट्रे के मेगा गैराडोस ने अकेले टक्कर दी थी। आपको क्या लगता है कॉमेंट करो। बाय।